67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रजनीकांत को मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कांग्रेस 1 नवंबर से शुरू करेगी सदस्यता अभियान, कार्यकर्ताओं को 10 घोषणाओं पर करने होंगे साइन। एनसीपी का सेशन कोर्ट में नया हलफनामा, कहा जांच को भटकाने की कोशिश हो रही। असम में पटाखों पर लगी रोक, सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे ही चलाने की इजाजत। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 577 अंकों की उछाल के साथ खुला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन में पीएम और सीएम ने मेडिकल कॉलेज की टीम और जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान मोदी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाना जनता के बेहतर इलाज का विकल्प, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाने से लोगों को इलाज पाने में सुविधाएं होंगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जनता को योगी मोदी का एक तोहफा मिला है, जहां मेडिकल कॉलेज का आज वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसमें पीएम और सीएम ने मेडिकल कॉलेज की टीम और जनता को संबोधित किया है। संबोधन के दौरान मोदी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाना जनता के बेहतर इलाज का विकल्प, व हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाने से लोगों को इलाज पाने में सुविधाएं होंगी। ताज नगरी आगरा के जगदीशपुरा थाना के मालखाना के 25 लाख रुपए की चोरी के आरोपी सफाई कर्मचारी अरुण की पुलिस हिरासत में मौतें पर आज राजनीति थम नहीं रही। आज भारतीय किसान यूनियन ने नेता राकेश टिकैत आगरा पहुंचे। सबसे पहले वो लोहा मंडी स्थित मृतक अरुण के परिवार से मिले और उनको सांत्वना दी। मीडिया से रूबरू होने पर भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने लखीमपुर खीरी की घटना के बाद के मुआवजे की कीमत निर्धारित कर दी है। मौत की कीमत 40 लाख रुपए है, इसलिए सरकार को यही कीमत अरुण के परिवार को देनी चाहिए, साथ ही इस मामले की न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। जानकारी जो प्रेस के माध्यम से भी जानकारी मिली वो भी दे रहे हैं, इनसे कि क्या क्या घटनाक्रम हुई, आप लोगों से भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि घटना क्या ये है। और कोई भी है, अगर कोई भी बदमाशी भी है तो वो तो कोर्ट केस होता है, कोई पूछताछ करने पे इनका पूर्ण उपचार होती है, इसकी मारपीट से उसकी डेथ हुई, इनको एक तो FIR रिपोर्ट मिल जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए, और कोई हादसा हो जाए, इतनी पुलिस फोर्स सारी लग रही तो कुछ उसको मामला हो गया, तब इनके घर तक और यहाँ तक। आजमगढ़ सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि से लोग परेशान हैं। अक्टूबर में 18वीं बार बड़े दामों से आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। अक्टूबर में अब तक हर दिन पेट्रोल औसतन 24 पैसा और डीजल 27 पैसा महंगा हुआ है। बढ़ती महंगाई से करा रही जनता का कहना था कि अब सरकार बदलना जरूरी हो गया है। देखिए, पूरी तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वक्त रोजी रोजगार का कोई जो है मुद्दा नहीं रह गया, लोग जो है भ्रष्टाचार महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इस सरकार में जिस तरीके से लोग त्रस्त हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकार की बात मैं अगर करता हूँ तो 60 रुपये पेट्रोल था और 50 रुपये डीजल था। उस समय हमारी जो मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी रोड पे निकल के, जितने और भी भाजपा के जितने भी नेतागण थे सब लोग रोड पे निकल के जिस तरीके से प्रदर्शन किए थे, और मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम हम आधे कर देंगे, और आज की डेट में आप
देख लीजिए किस स्तर पे पेट्रोल और डीजल। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई है। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोक निर्माण के अधिकारी गड्ढा मुक्त सड़क योजना को पलीता लगा रहे थे। जिम्मेदार लोक निर्माण प्रांति खंड उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि प्राइम टीवी ने प्रमुखता से चैनल पर ठेकेदार वाली खबर चलाई थी। आधे से ज्यादा गड्ढे भरे ही नहीं आए थे। प्राइम टीवी पर खबर चलने के बाद दोबारा से सड़क गडरिया चौराहे पर भूपति को रोड गई रोड पर गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़क को दुरुस्त किया गया। लखीमपुर खीरी से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां गड्ढा मुक्त खब को लेकर वहां पर खबर चलाई गई, जहां प्राइम टीवी की खबर की प्रमुखता से दिखाए जाने पर आज उस पर निष्कर्ष निकला है। जिम्मेदार लोग निर्माण प्रांति खंडर उत्तर प्रदेश के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे थे। और बता दें कि प्राइम टीवी ने प्रमुखता से चैनल पर ठेकेदार वाली जो खबर चलाई थी उसी से आधे से ज्यादा गड्ढे भरे ही नहीं गए थे। प्राइम टीवी की खबर चलने के बाद दोबारा से सड़क गडरिया चौराहे से भूपतिपुर को गई रोड पर गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़क को दुरुस्त किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नीरज, जिस तरीके की खबर दिखाई जा रही है, जैसा तस्वीरों में देखा जा रहा है कि तमाम सड़कों पर गड्ढे दिखाई जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पे आपका? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी सारी रोडे है सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त की जाए। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए कि जो जिम्मेदार है, जिला प्रशासन है या ठेकेदार है या जो प्रांतीय समिति जो भी है, साफ तौर से देखा जा सकता है कि केवल सिर्फ सिर्फ कालम पूर्ति की जा रही है रोडों की। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि रोड पे तो जाते हैं लेबर, काम तो करते हैं, लेकिन गड्ढा मुक्त कागजों पे ही रहते हैं। लेकिन अगर आमतौर से देखा जाए तो जो कि जो सड़कें पड़ी हुई हैं। जी धीरज, जिस तरीके से प्रमुखता से प्राइम टीवी पर ये खबर चलाई जा रही थी उसके चलते शासन प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है? गोला कस्ता मार्ग से जो भूपतपुर के लिए लिंक रोड गया हुआ उससे भी यही हाल हुए थे कि लेबर आए और कहीं ना कहीं फुटफुट गड्ढे भरने के बाद में वो चले गए। लेकिन प्राइम टीवी की प्रमुखता से खबर चलाने के बाद में प्रांतीय खंड जो जेई है उन्होंने प्रमुखता से लिया, जिला प्रशासन ने प्रमुखता से खबर को देखते हुए उसके बाद में तत्काल कल ही पूरी रोड दोबारा से बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ग्वालियर जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा सपा के पूर्व मंत्री ने 2022 के विधानसभा में नए प्रत्याशियों की दावेदारी पर सवाल उठाया है। कहा है कि यहां से किसी को दावेदारी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरी सीट है। इससे पहले पूर्व मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिन्होंने इस सीट पर अपना दावा किया था। जिलाध्यक्ष सपा का स्पष्टीकरण आया था। दावेदारी कर रहे प्रत्याशी से जब पूछा गया तो उन्होंने इसको बौखलाहट और हास्यपद की बात बताई। बलिया के लिए आ रहा था, बचपन का जमाना था, जनरल क्लास में बैठा हुआ था तो ट्रेनें जहाँ रुकती हैं तो उतर के प्लेटफार्मों पे घूमने की आदत थी, सबकी बच्चों में बचपन में होती है। मैं अपने सीट पे रुमाल रख के उतर के गया कि हमारी सीट रिजर्व हो गई, और मैं घूम घूम के चाय पी के जब सीट पे गया तो देखे कि एक बूढ़ा सा आदमी उस पर बैठा हुआ है, नौजवान तगड़ा हमसे भी तगड़ा बैठा हुआ है। तो मैंने पूछा कि भाई साहब मेरा एक यहाँ रुमाल था, उसने ऐसे किया और उसके बाद अपने चूदड़ के नीचे से निकाल के झाड़ के देख ले 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 अपना तू रुमाल ले ले। हम बोले भाई साहब रुमाल की मतलब है कि सीट मेरी थी। उन्होंने कहा कि जब है अब ताजमहल पे रख दोगे तो कहोगे ताजमहल मेरी है। दरोगा और महिला पुलिसकर्मी मना रहे थे बंद कमरे में रंग रलिया। मौके पर महिला पुलिसकर्मी के परिवार ने दरोगा को दबोचा। दरोगा की जमकर लात घूंसों व हॉकी से पिटाई की गई। महिला पुलिसकर्मी की बहन घसीटते हुए ले गई थी थाने और घसीटते हुए दरोगा पर महिला पुलिसकर्मी की बहन ने बरसाए थे थप्पड़। दरोगा और महिला पुलिसकर्मी का चल रहा था प्रेम प्रसंग और महिला पुलिसकर्मी और दरोगा आगरा में तैनात थे। आगरा के थाना एतमादुर क्षेत्र के 50 मीटर दूर का मामला मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता इस पे जुड़ चुकी हैं। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की चीजें वहां पे देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जो लड़की है एक युवक को मारते हुए लगातार थप्पड़ों की इस तरह बरसात भी कर रही है। तो आपको बता दूं कि ये महिला, ये जो लड़की है, इसकी बहन के साथ और जो युवक दिखाई दे रहे हैं वीडियो में साफ तौर से, वो एक थाने पर, आगरा के थाने पर दरोगा है, जो थाने पर तैनात है, उसकी बहन के साथ वो जो दरोगा था वो वहाँ अंदर एक रंगरेली मना रहा था। तो वही उसको, लड़की को जब सूचना मिल जाती है तो वहाँ मौके पर पहुंच जाती है और उसको, उस दरोगा को वहां से घसीटते हुए और उसके भाई के साथ में उसको लेके चली जाती है। और बराबर और महज धर्मापुर जो थाना है उससे महज 50 मीटर की दूरी का मामला है, वही एक कमरे से दरोगा को पकड़ती है, मारते हुए अदमातपुर थाने तक ले जाती है। जी ममता, इस जो जब ये मामला संज्ञान में आया है तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जब से वीडियो वायरल हुआ है, ये मामला अधिकारियों के, जैसे ही जब वो लड़की थाने ले जाती है दरोगा को, तो अधिकारियों के मामला संज्ञान में आते ही अधिकारियों ने इस पर निलंबन की कार्रवाई कर दी है। जी यही है, वहां पर थानेदार का क्या कुछ कहना है इस पर? थानेदार का साफ तौर पर कहना है कि ये दोनों, जिस तरह से लड़की के द्वारा कहा गया है कि ये मेरी बहन के साथ इस तरह की जो रंगरेली मना रहा था, तो उसने मौके से पकड़ाया उस दरोगा को, तो थानेदार ने भी जांच की बात कहकर और दरोगा को वहां अपने जो अपनी कस्टडी में बैठा लिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। डेंगू से मची तबाही से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 मरीजों का एरवा कटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि एक बच्ची की सैफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और अयोध्या जिले के एरवा कटरा में उमरेन में डेंगू का मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। एरवा कटरा अधीक्षक एवं जिला मलेरिया अधिकारी टीम के साथ गाँव में जाँच करने पहुंचे हैं। सहोदरा इंटर कॉलेज है जो राकेश यादव द्वारा चलाया जा रहा था, ये पूरा इंटर कॉलेज नवीन पट्टी की ज़मीन पर बना हुआ था और जिसे नियमानुसार तहसीलदार महोदय के माध्यम से 67 के तहत कार्रवाई की गई और उसके बाद उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपील की गई, अपील भी निरस्त हुआ। और प्लस इसके बाद तहसीलदार महोदय के द्वारा 3 बार उनको नोटिस दिया गया कि अवैध कब्जे को हटा लें, लेकिन उनके द्वारा अवैध कब्जा न हटाने के कारण आज जो है पुलिस बल के माध्यम से, राजस्व टीम के माध्यम से उस सहोदरा इंटर कॉलेज को ध्वस्त किया। खबर स्टार्ट करो, पागल हो गए क्या? मतलब क्या मतलब, वहां पे पहले डिसाइड करो, 8वीं स्टार्ट करिए। औरैया जिले के अछलदा थाना क्षेत्र के टैली गांव का पूरा मामला है। आरोप है कि राकेश कुमार यादव पुत्र दरवारी लाल द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर सपा शासन काल था। लगभग 2 दशक पूर्व श्रीमती सहोदरा देवी इंटर कॉलेज का निर्माण कराया गया था, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से की थी। वहीं इस भूमि के अलावा अन्य भूमि पर भी कब्जा किए जाने को लेकर यह बड़ी कार्रवाई जिले के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम समाज की भूमि पर निर्मित कॉलेज के कमरों को ध्वस्त करा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश यादव इंटर कॉलेज का ये मामला है पूरा घुमला थाना तहसील के जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया था कि तहसील में जिस तरीके से भूमि माफियाओं ने अपनी अवैध जगह पर जब स्कूल बना रखा था उसको आज प्रशासन ने बुलडोजर द्वारा गिरवा रख दिया है। तो शायद जिस तरीके से ये यहाँ पर ये ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो क्या ये सभी मकान इलीगल हैं? जी, प्रशासन द्वारा जो बताया जा रहा है सब इलीगल बना हुआ है, जो इनको कई बार नोटिस भी जारी किए गए, उसके बाद भी इन्होंने अपनी श्रम न तोड़ के आज प्रशासन ने यह गलत कदम उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। गलियों की नाप बनी शोपीस, गलियों की नाप हुई थी खड़ंजा लगवाने के लिए, लेकिन खड़ंजा लगने के बाद ईंट हुई है गायब। खड़ंजा की ईंट गायब होने के बाद मवेशी के बंधने का वीडियो वायरल हुआ है। इस तरह विकास कार्यों की खुली है पोल और वायरल वीडियो विकास खंड अमौली के पांडेपुर गाँव का है। एक बार फिर से मानवता शर्मसार होते नजर आ रही है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इतना जघन्य अपराध कर सकता है, क्या कोई इस हद तक गिर सकता है कि माँ शब्द को शर्मसार कर दे। हमारे समाज में माँ का दर्जा भगवान से ही ऊपर माना जाता है। एक माँ ही होती है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चे की रक्षा करती है। पर जालौन से ऐसा मामला सामने आया है जहाँ एक कलयुगी माँ ने अपने ही अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी। कलयुगी माँ ने गर्भपात करवा कर बच्चे को पेट में ही मार दिया। कलयुगी माँ ने अजन्मे शिशु के भ्रूण को कुत्तों को नोचने के लिए एक क्या सड़क पर फेंक दिया। कैसी है माँ जिसने अपने ही बच्चे को सड़क पर फेंकवा दिया। सुबह सुबह जब नगरपालिका जालौन के सफाई कर्मी को झाड़ू लगाने के दौरान नवजात शिशु का भ्रूण दिखाई दिया तो अपने विभागीय अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस महिला की जांच में जुट गई है। खबर जालौन से है जहां महिला एक दिल दहलाने वाली घटना आपके सामने आई है जहां पर एक गर्भपात करवा कर बच्चे को मौत के घाट उतारा है। महिला ने मां शब्द को किया है कलंकित। दिल दहलाने वाली घटना हम आपको बता रहे हैं जहां कलयुगी मां ने अजन्मे शिशु के भ्रूण को कुत्तों को नोचने के लिए सड़क पर फेंक दिया और बच्चे को सड़क पर फेंकवा दिया। और सुबह सुबह जब नगर पालिका जालौन के सफाई कर्मों झाड़ू लगाने के लिए दौरान नवजात शिशु का भ्रूण दिखाई दिया तो अपने विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राम जी, जिस तरीके की ये घटना देखी जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? ये मामला जनपद जालौन के नगर जालौन का, जहाँ पे सुबह नगर पालिका की तरफ से सफाई कर्मियों द्वारा सफाई की गई थी अनजाने बच्चों का, मामला जालौन में तो एकदम पर मच गई। जी मैम, क्या इस पे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जब शासन प्रशासन के सामने ये मामला आया तो शासन ने क्या कार्रवाई की है इस पे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, फिलहाल जानकारी ली जा रही है। अच्छा, क्या उस महिला का पता चल पाया है जिस महिला ने इस तरीके की हरकत की है, इस तरीके का जघन्य अपराध किया है? बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राम जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हेलो, जी 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 मैम। हाँ, राम जी, ये जिस तरीके से क्या उस महिला का पता चल पाया है जिस महिला ने इस तरीके का जघन्य अपराध किया अभी, है? अभी मैम कोई जानकारी नहीं हो पाई है, फिलहाल बच्चे के शिशु को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लेखपाल की कार्यशैली से नाराज गरीब मजदूरों ने एकजुट होकर नाराजगी व्यक्त की है। जमीन चिंतित करने के नाम पर पैसे की वसूली का आरोप लगाया है। पैसे लेने के बावजूद जमीन नहीं नापने का आरोप लगाया है। लेखपाल राम बिहारी की कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय रायजू गाँव का है जहाँ लेखपाल घर बनाने नहीं देते हैं।
है कि हमारा 137 नंबर है, लगभग 2.5 बीघे का खाता है और आज लगभग हमको याद ही नहीं कि हमारी जमीन कब से हमारे बाप दादाओं की है। कुछ जमीन उसमें से 2-3 बिस्वा हमारे पिताजी बैनामा भी किए हैं और उसी में हमारी बोरिंग भी है और वो गढ़ही है। उसमें हम जब मिट्टी डलवाने लगे तो राम बिहारी नेकपाल साहब जी हमारे पास फोन किए कि आप उसमें मिट्टी मत गिरवाइए, वो ग्राम समाज की है। तो मैं बोला कि आज तो जमाने से तो नहीं थी, यदि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप आ जाइए स्वयं नाप दीजिए और नाप के जो है जीएस निकाल दीजिए, हमारा होगा तो हमें मिलेगा, नहीं तो जीएस का होगा तो जीएस का हो जाएगा। 4-5 दिन चक्कर लगाए उनके पीछे, आज नाप देंगे कल नाप देंगे, आज तक अभी तक नापने नहीं आए। जब कभी बात करते हैं तो बोलते हैं यार अभी नहीं, बाद में नाप देंगे, आज तक मिट्टी हम अभी तक डलवा नहीं पाए। ऐसे ब्लिंक कर रही है। खबर प्रतापगढ़ से है जहां लेखपाल के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है, जहां लेखपाल राम बिहारी की कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराया राजू गांव का है जहां लेखपाल घर बनाने नहीं देते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो प्रेम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का मामला ये पूरा देखा जा रहा है? जी मैडम, आपको बता दें कि ये जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत सराय राजीव गांव का मामला है, जहां कुछ ग्रामीण एकत्रित होकर नेकपाल के खिलाफ विरोध कर रहे थे। उनका आरोप है कि नेकपाल गांव में जाते हैं और उनकी खुद की जमीन पर निर्माण कार्य जब वो करते रहते हैं तो प्रशासनिक हमले के दम पर उनके निर्माण कार्य को बाधित करवा देते हैं, फिर नाप का हवाला देते हुए उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया लगभग महीनों चलती है। उन ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि चंद्र पैसे जब नेकपाल द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं तो उसी जमीन को उनकी जिम्मेदारी बता दी जाती है और पैसा नहीं मिलने पर उसी जमीन को नेपाल द्वारा ग्राम समा व अन्य तरीके की जमीन बता दी जाती है, जिससे ग्रामीण लगातार त्रस्त है और ग्रामीणों ने लगातार इस पर बयानबाजी भी की। जी अच्छा, इन लोगों ने कोई एक ज्ञापन भी शायद इनके तस्वीरों में आप दिख रहा है कि कोई ज्ञापन इन्होंने अधिकारियों को सौंपा है, तो क्या ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ कदम उठाया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, बता दें मैम, इनके हाथों में वो शिकायती पत्र है जिनमें शिकायती पत्रों में इन्होंने अपनी बातों को बयां किया, अपने दर्दों को बयां किया है, जिस तरीके से नेपाल इनको लगातार परेशान कर रहा था उन बातों को उसने लिखा है। लेकिन मैम सुबह से ही लोकार्पण कार्यक्रम होने की वजह से संबंधित राजस्व विभाग अधिकारी मौजूद ना मिले, जिस वजह से कई बार ग्रामीणों द्वारा एकत्रित होकर विभागीय अधिकारियों के ऑफिस तक आया गया, लेकिन मौजूद न होने की वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी और वो वापस चले गए। अभी भी उनका यही कहना है कि जैसे ही संबंधित अधिकारी मिलते हैं वो से तत्काल उनको दिया जाएगा। और खास बात यह है, ग्रामीणों के हाथ पे एक आरोप पत्र है जिसमें आरोप पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि नेपाल साहबान का हस्तांतरण हो चुका है ग्राम सभा से, फिर भी लगातार उनसे धनुगाही का कार्य जारी कर रहे हैं। जी मैम, तो ये कब से इनका ये जो मामला पूरा मामला है कब से चल रहा है, कितने समय से ये लोग इस तरीके से अपनी जो जो दिक्कत हो रही है कब से ये लोग इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं? लगभग एक वर्ष बताया जाता है, एक वर्षों से लगातार इन ग्रामीणों को जमीन के विवाद को लेकर के आपस में लड़ाया जाता है, आपस में इन्हें बताया जाता है। एक व्यक्ति जब पैसा देता है उसको उसके कब्जे में नापा जाता है, दूसरा देता है तो कहने के उसके पक्ष में नाप दिया जाता है। इसमें लेकर ग्रामीण आपस में कहीं ना कहीं ग्रामीण आपस में लड़ जाते हैं और इनके लिए ये बड़ा ही माइनस है, जिसको लेकर ये पूरी तरीके से आक्रोशित है और संबंधित अधिकारियों को अपने दर्द बयां करने के लिए एक एप्लीकेशन लेकर टहल रहे हैं कि जैसे ही मिलते हैं वैसे हम उनको देते हैं। जी ये पूरा मामला सराय राजू का है जो काफी दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने आज जब उनकी अपनी खुद की जमीन पर निर्माण न कर पाने की वजह से लगातार प्रशासनिक अधिकारी जा करके मना कर रहे हैं, उन्हें दौड़ा रहे हैं, चोरों की भांति वो भगते फिर रहे हैं, जबकि अपनी जमीन को एक बार नापा गया, उनके पास जो नक्शे हैं जो खतौनी है उसमें लिखा गया है कि यह भूमि संक्रमणीय है और यह भूमधर है, फिर भी वो नाप नहीं कर पा रहे हैं। जी अभी तक लेखपाल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि नेकपाल से बात करने के बाद नेकपाल मौजूद लालगंज में होते हैं लेकिन बताते प्रतापगढ़ में है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास संकलित है। उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि मैं प्रतापगढ़ में हूं और इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता, परंतु जब वास्तविक देखा गया तो वो लालगंज कोतवाली के सामने बैठे चाय पी रहे थे, जिसकी फोटो हमारे पास प्राप्त है और उनसे ये जानकारी प्राप्त की गई तो वो केवल हीला वाला ही बता रहे हैं, क्योंकि संबंधित अधिकारी उन पर कोई आज तक नकेल नहीं कहते, जिसकी वजह से उनके हौसले पूरी तरीके से बुलंद है। जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
बिसुंदरपुर के बने मां विंध्यवासिनी श्वासासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के हाल में जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश को 70 साल से जगह सात मेडिकल कॉलेज मिला था। योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल के कार्यकाल में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। सांसद ने कहा कि शिक्षा के साथ ही बेहतर चिकित्सा भी जनता को मिलेगी। समारोह के दौरान क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। एनएमसी के कॉलेज ने 100 एमबीबीएस सीट पर प्रतिवर्ष प्रवेश के लिए मान्यता प्रदान की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2,329 करोड़ की लागत से बने हुए 9 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर और मिर्ज़ापुर और गाज़ीपुर से तमाम ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं और हमारा अपना माँ विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज जो 232 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, अब नीट के माध्यम से 100 एमबीबीएस की सीटों पर यहाँ प्रवेश मिलेगा। और जहाँ एक और दूर दराज से और यहाँ के ख़ास तौर से बच्चों को अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, उसके साथ ही हमारे इस जनपद के और आसपास के इलाके के लोग जो भी जिन्हें अपनी एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए जनपद के बाहर जाना पड़ता था, अब उन्हें हमारे इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बहुत ही उत्तम चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। तो आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का भी दिन है और मिर्ज़ापुर जनपद वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही बेहतरीन ये हमारा भव्य। सदर कोतवाली क्षेत्र के एसपी आवास स्थित कांशीराम कॉलोनी में रविवार को देर रात अचानक आग लग गई। आग बुझाने में गृह स्वामी पूरी तरह से झुलस गया, जबकि कमरे के अंदर रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तथा घायल को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार किया गया है। खबर औरैया से है, जहां अचानक से सिलेंडर में आग लगने से आग बुझाने की बात की गई है और आग बुझाने में गृह स्वामी पूरी तरह से झुलस गया है, जबकि कमरे के अंदर रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तथा घायल को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।